कभी कभी ऐसा समय आता है जब अवतारी चेतना गुरु सत्ता के रूप में धरती पर आती है। एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन का सरंजाम जुटाने के लिए वह छोटे से शुभारंभ कर विराट रूप लेती चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऐसी ही सत्ता के रूप में आंवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संबत 1968 सन 1911 को पंडित रूप किशोर जी शर्मा के घर अवतरित हुए। उस सदगुरु को हम लोग जय घोष के माध्यम से उनका वंदन करते हैं, जिनको हम महाकाल के रूप में जानते हैं, जिन्होंने काल की गति को विचार परिवर्तन विचार क्रांति की धारा की ओर मोड़ दिया। आइए उनका स्मरण करते हैं। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। महाकाल के अवतारी तुम अजर अमर वरदानी, गहन तपस्या से जिनने नए सृजन की ठानी, कोटि कोटि हृदयों तक पहुंची, जिनकी अमृत सृष्टि बनाकर तुमने लिख दी अमर कहानी। जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया आंवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया आंवल खेड़ा में जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी, स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मत कहाए, स्वतंत्रता सैनिक बन धाए, मस्त रहे और मस्त कहाए, सैनिक संत तपस्वी खुद को, तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया, सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया, जन्म
बलिया पावल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। की हर ऊंचाई तुमने छोटी कर दिखलाई, छोटे से छोटे जीवन को, छोटे से छोटे जीवन को ऊंचा खूब उछाल दिया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। भागीरथ कहलाए मानव में देवत्व जगाने इस धरती को स्वर्ग बनाने, मानव में देवत्व जगाने इस धरती को स्वर्ग बनाने, मानवता को दिव्य संपदा हो, मानवता को दिव्य संपदा देकर माला माल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। सृजन की शक्ति जगाकर बदल गए दुनिया की धारा, देव उज्ज्वल भविष्य का नारा, बदल गए दुनिया की धारा, देव उज्ज्वल भविष्य का नारा, महाकाल बन करके तुमने हो, 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 महाकाल बन करके तुमने अपने वश में काल किया, सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया, जन्म लिया आवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत
सभी से आग्रह, जिस भूमि पर जिस जमीन पर आप बैठे हैं इसमें वो मिट्टी डली हुई है जो पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि की, वहां से मंदिर के निर्माण में स्मृति मंदिर के निर्माण की मिट्टी को यहाँ लाकर बिछाया गया है। कृपया बिछावन ना देखें, जहां जगह मिलती है परम पूज्य गुरुदेव की ये पावन रज है उसमें जहां भी स्थान मिलता है बैठ जाएं, किसी बिछावन का इंतजार ना करें। सभी भाई लोग पीछे जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं और अगला क्रम होगा परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने सारा जगत निहाल किया, ऐसे गुरुवर की जन्म शताब्दी मनाने हम जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एक महोत्सव भी शांति कुंज की गंगा की गोद और हिमालय की छाया में संपन्न होगा 6 से 10 नवंबर तक। आइए जन्म शताब्दी वर्ष पर हमारे कुछ संकल्प उभरने चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के इस जन्म शताब्दी वर्ष पर हम क्या कुछ कर दिखाएं, इसी संकल्प इसी भावना को इंगित करता हुआ एक और गीत हमारे उद्गाता बंधुओं की ओर से। हम बोलेंगे शताब्दी वर्ष सफल हो, सफल हो, सफल हो, जन्म शताब्दी वर्ष सफल हो, सफल हो, सफल हो, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का। चार चहोर हो युग साहित्य सभी भाषा में घर घर हम पहुँचाएंगे, घर घर हम पहुँचाएंगे, हम सब सच्चे युग सैनिक है गुरुवर को बतला देंगे, गुरुवर को बतला देंगे, महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है यह तो गुरुदेव का, महाक्रांति हित खुला निमंत्रण है यह तो गुरुदेव का, शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का, शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके
से ज्ञान यज्ञ से धर्मों में सहकार हो, धर्मों में सहकार हो। गुरुवर की महिमा समझे सब उसका ही गुणगान करे, उनका ही गुणगान करे। समय और साधन दे प्रतिभा नवयुग का निर्माण करे, नवयुग का निर्माण करे। नवल सृजन का स्वप्न सार्थक कर दे हम गुरुदेव का, नवल सृजन का स्वप्न सार्थक कर दे हम गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का। में काम करे, एक सूत्र में काम करे, और न कोई इधर उधर की व्यर्थ जरा भी बात करे, व्यर्थ जरा भी बात करे। महाकाल के जय घोषों से गूंजे घर कोना कोना, गूंजे घर कोना कोना। जन जन में उत्साह भरेंगे नहीं करे रोना धोना, नहीं करे रोना धोना। महाक्रांति का यज्ञ रचाने विमल पर्व गुरुदेव का, महाक्रांति का यज्ञ रचाने विमल पर्व गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। इससे साथियों दौड़ो दौड़ो, इससे साथियों दौड़ो दौड़ो, इससे साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का, शिष्य साथियों दौड़ो आया महापर्व गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का, हम सबके गुरुदेव का। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। भाइयों बहनों, हमने दोनों गीतों में इस भाव को समझा सुना कि परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर एक ऐसी महान चेतना जो इस धरा पर आई, जिन्होंने अभी तक के सभी संत महापुरुष अवतार जितने भी महान शक्तियां धरती पर आए हैं सबका सम्मिलित कार्य अपने जिम्मे किया, सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति को दिग दिगंत तक पहुंचाने का एक महान अभियान युग्मान जैसी मंगलमय युग्मान योजना के रूप में प्रारंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव के इस 101वें जन्मदिवस और 100वें इस वर्षगांठ पर हम सब मिलकर के उनको श्रद्धांजलि दें। इसके पूरे निर्देश श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से हम सुनने जाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक व्यक्ति नहीं विचार के रूप में परिवर्तित हो गए। हम सब के बीच में उन्होंने जिस तरह की चेतना जगाना प्रारंभ किया है, एक के बाद एक बड़े महत्वाकांक्षी अभियान पूरी दुनिया में प्रारंभ कर दिए हैं। उन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय का जो बीड़ा उठाया
सारे जगत में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की स्थापना का क्रम प्रारंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमय युग निर्माण योजना को भारतवर्ष की सीमाओं से निकालकर सारी दुनिया में उसको विश्वव्यापी बनाया। इस महान अभियान में श्रद्धेय डॉक्टर साहब संलग्न हैं। अनेक देशों में उनके बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे उनके सेमिनार संपन्न हुई हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स आदि विश्वविद्यालयों में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के विशेष उद्बोधन संपन्न हुए हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया और एक बड़ा ही तेजस्वी भाषण उनका वहां संपन्न हुआ, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश दिया। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया, जहां पर गुरु संदेश उन्होंने दिया, सारी दुनिया को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर उन्होंने उद्बोधन किया। ऐसी अनेक ढेर सारी मंगलमय योजनाओं को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब चल रहे हैं। उनका विजन, उनकी योजना आने वाले दिनों में परम पूज्य गुरुदेव को दिग दिगंत तक पहुंचाने की, दुनिया का कोई कोना ऐसा ना बचे जहां पूज्य गुरुदेव ना पहुंचे, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे परिवार के मुखिया, हमारे प्रमुख, हमारे मार्गदर्शक। हम बहुत सम्मानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनसे निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन सभा में परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या साहब, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सहज ही मन हमारा पतन की ओर जाता है, तो पतन की ओर ले जाने वाली दुर्बुद्धि उसको ऊंचा उठाने का काम सद्बुद्धि करती है। सद्बुद्धि हमें गायत्री के माध्यम से मिलती है। गायत्री का देवता सूर्य है, सविता देवता, जिस सूर्य देवता के लिए साधना के लिए यहाँ मंदिर बन रहा है। ऐसा सूर्य जो सुबह से शाम तक हमें प्रकाश देता है और रात्रि को जाने के बाद भी विश्राम नहीं करता, कहीं ना कहीं गोलार्ध में, धरती के गोलार्ध में कहीं ना कहीं प्रकाश देता रहता है। गायत्री मंत्र उसी स्तुति के माध्यम से अपने आराध्य इष्ट सूर्य को ये कहता है कि आप हमें सद्बुद्धि की ओर ले चलें, सन्मार्ग की ओर ले चलें। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग की ओर ले चले। भगवान से कुछ मांगे न मांगे, पैसा मांगे न मांगे, देगा कि नहीं मालूम नहीं, हम मन की शांति मांगे कि नहीं मांगे मालूम नहीं, मिलेगी कि नहीं, हम घर में सुख संपत्ति मांगे कि नहीं मांगे, परंतु अगर कुछ चीज मांगे तो सद्बुद्धि मांगे, बस बाकी सब चीज आती चली जाएंगी। सद्बुद्धि द्वार खुलती है संसारी श्री समृद्धि यश ऐश्वर्य समस्त चीजों का, मन की शांति का और सभी चीजों का। सुख उसके बाद आता है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा, शांत होगा तब सुख मिलेगा। इसलिए गायत्री मंत्र द्वार है और परम पूज्य गुरुदेव ने द्वार हम लोगों के लिए खोला। आइए हम सब गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने आराध्य इष्ट सूर्य को और सूर्य के मध्य स्थित गुरु सत्ता को याद करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचय श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उन्हीं की इन जन्मभूमि की इस पावन रज में यहाँ बैठे हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे यहाँ के व्यवस्थापक और राजस्थान के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री नैनीवाल जी भाई साहब, श्री दुबे जी भाई साहब जो कि जोनल विभाग संभालते हैं, हमारे बीच में विशेष रूप से विराजमान श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी, सत्यनारायण नोवाल जी, हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता श्री एच पी सिंह जी भाई साहब, हमारे जोनल कार्यालय के श्री मिश्रा जी,
यहाँ बैठे हुए शांतिकुंज की टोली के दुबे जी सहित जितने भी शांतिकुंज के कार्यकर्ता हैं वो सभी हमारे बीच में एक विशेष टोली बैठी हुई है जो कि मोटरसाइकिल से यात्रा करती हुई आई है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चों की है, शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं की बच्चों की। इनमें कई बच्चे नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बड़ी टॉप पोस्ट में हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु इन्होंने सबने अपनी गुरु सत्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए मोटरसाइकिल से कल सुबह हमने परसों सुबह हमने रवाना की थी इनकी मोटरसाइकिल के दल को। ये परसों चलकर दिल्ली आया, दिल्ली में कल फिर हमें मिला, दिल्ली में हमने इनको श्री फोटो ऑडिटोरियम में फिर विदा किया, ये फिर कल रात को यहाँ आए, आज आपके बीच में बैठे हैं, आज इन्होंने जन्मभूमि में यज्ञ किया है। ये प्यारे प्यारे बच्चे हमारी अगली पीढ़ी है और ये अगली पीढ़ी के लिए हम खूब खूब अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इनके कण कण में रोम रोम में समाएं और इनसे खूब काम कराएं, बड़े होकर के ये अपने पिता के भी नाम को रोशन करें, गुरु के नाम को रोशन करें और पिता से भी ज़्यादा काम करके दिखाएं, ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे पता चले कि वास्तव में इनके अंदर वो गुरु की पीड़ा है। आप सभी आमलखेड़ा जोन के सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आगरा नगर के और आमलखेड़ा गांव के आसपास के गांव के सभी ग्रामीण भाइयों बहनों, हमारे प्यारे प्यारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज बहुत बढ़िया दिन है, बहुत सुंदर। इसलिए बहुत सुंदर कि जन्म शताब्दी वर्ष और जन्म शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष जिस दिन पूरे हो रहे हैं और 101वां वर्ष लग रहा है, जिस दिन अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, जिस वेला में यही वो वेला थी, 10 से 12 के बीच की वेला थी जब परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस धरती पर हुआ। हम लोग कितने सौभाग्यशाली मित्रों कि 100 साल बाद इतिहास को हम दोहरा रहे हैं और हम अपने गुरु को याद करने के लिए बैठे हैं। 100 साल बाद नहीं बल्कि 1000 साल बाद भी जिनका नाम अमर रहने वाला है, ऐसे गुरु हमारे बीच में आए और हम सब के लिए इतना बड़ा काम कर गए जिसकी कि कोई तुलना नहीं की जा सकती। मित्रों, बहुत सारे धर्म गुरु आते हैं, बहुत सारे अवतारी चेतनाएं आती हैं, पर श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर जो आते हैं तो एक बात कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, इनको जो तत्व से जान लेता है वो समझ जाता है कि मैं क्यों आया हूं। हम भी अगर अपने गुरु को योगेश्वर कृष्ण के समकक्ष माने, जैसा मैंने समझा है, मैं ये नहीं कहता कि मैंने अर्जुन बनने की पात्रता प्राप्त कर ली है, पर मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण को और गुरुदेव को एक स्तर पर मैंने देखा है, स्टडी किया है, अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ब्रज की इस भूमि में लीला करने के लिए वही कृष्ण फिर से आए थे और उन्हीं कृष्ण ने एक गीता कही थी, एक अनुगीता कही थी, एक पांडव गीता कही थी, ऐसे 4 गीता कही थी, पर उन्होंने ढेर सारा काम किया, उन्होंने नीति का भी काम किया, पर ये गुरु जो आए थे इन्होंने एक गीता नहीं, न जाने कितने ग्रंथ कह करके लिख करके दे के चले गए जो आने वाले दिनों में हजारों लाखों वर्षों तक लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। ऐसे कृष्ण का जन्म आज हुआ है मित्रों, हमें उन्हें याद करना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य होते हैं। दिव्य का मतलब होता है कि इनको सामान्य शारीरिक जन्म से नहीं मानना चाहिए। कई बार हम लोग क्या समझते हैं कि शारीरिक जन्म है, आप लोग सौभाग्यशाली नहीं हो, हम सौभाग्यशाली हैं, हम वहाँ मौजूद थे और हमने उनका जन्मदिन मनाया। मित्रों, गुरुदेव का जन्मदिन कोई नहीं मना सकता, गुरुदेव तो वो हैं जिन्होंने कहा हर दिन हर क्षण हमारा जन्म है, जिसके अंदर जागृति आ गई वो जन्म हो गया, उसका नया जन्म हो गया। गुरुदेव ने हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन में नया जन्म पैदा कर दिया, नया जीवन और नया महामानव पैदा करके खड़ा कर दिया। इसलिए शरीर से जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है उनका कर्म, उनका कर्म भी दिव्य और जन्म भी दिव्य। इसलिए गुरुदेव ने कभी शरीर के जन्म को इतना महत्व नहीं दिया। आज का दिन और कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं मनाया जाता हो, आप बताइए, हम कहीं नहीं मनाते। उसका कारण ये, गुरुदेव ने महत्व नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा मेरा आध्यात्मिक जन्म दिवस, जिस दिन मेरा आध्यात्मिक परिणय अपनी गुरु सत्ता के साथ हुआ, वह है वसंत पंचमी। और वसंत पंचमी के दिन मैं अपने गुरु से मिला था और वो यहीं आमलखेड़ा के कोठरी में मिला था। बस उसी वसंत पंचमी को तुम लोग मेरा जन्मदिवस मनाना। तब से लेकर 1926 से लेकर अब तक वो जन्मदिवस उसी में मनाया जाता रहा है। तो इसलिए फिजिकल बर्थडे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्पिरिचुअल बर्थडे, पर फिजिकल बर्थडे तो है, फिजिकली ही वॉज अ लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इसी दिन वो यहाँ इस धरती पर मनुष्य योनि में आए और मनुष्य रूप में आकर के हम लोगों के बीच में लीला करने के लिए आए। इसलिए महत्व तो है, परंतु
वो महत्व वैसा नहीं जैसा कि आध्यात्मिक जन्म दिवस का। हमारे वसंत पंचमी परम पूज्य गुरुदेव ने विद्या और कला के अवतरण की देवी की उल्लास के प्रतीक के रूप में, सरस्वती के प्रतीक के रूप में इतना महत्वपूर्ण माना है कि हम लोग वसंत पंचमी का उल्लास भारत ही नहीं सारे विश्व में प्रवासी परिजन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, हर विद्यालय में मनाया जाता है। फिर ये आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण मित्रों? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जन्म शताब्दी वर्ष में हम उनके धरती पे अवतरण को याद कर रहे हैं। मुझे याद आता है हरिद्वार में वंदनीय माता जी, जब गुरुदेव का जन्मदिन आता था अश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन, तो वंदनीय माता जी उनके लिए एक धोती, एक कुर्ता, एक टॉवेल, एक रुमाल, एक जोड़ी चप्पल, बस ये सामान लेकर के और हम लोगों को, मुझे और जीजी को लेके जाती थी ऊपर और प्रणाम करते करके और गुरुदेव के पास रखती थी। गुरुदेव कहते थे फिर ले आई, अरे मेरा जन्मदिन तो है ही नहीं, मेरा जन्मदिन तो उस दिन है। तो बोले कुछ भी हो ये आपके लिए है। इसके करीब 9 दिन पहले माता जी का जन्मदिन आता था तो माता जी ऊपर जाती थी तो माता जी के लिए साड़ी, माता जी के लिए बिल्कुल सादी सी खादी की साड़ी और उसके साथ साथ कान चूड़ियाँ और भी 2-3 चीज़ें गुरुदेव रखते थे, वो देते थे उनको। आज भी मित्र हमने उस तरह परंपरा को निभाया है। हमारे लिए गुरुदेव माता जी गए नहीं है, हमारे लिए हैं, वैसे ही सब शरीर है। हम आज भी गुरुदेव माता जी के शरीर के जन्म दिवस पर, वंदनीय माता जी के शरीर के जन्म दिवस पर यही सामान उनके पलंग पर रख देते हैं, स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं कि आप स्वीकार करिए, ये आपके जन्म दिवस पर भेंट है जो परंपरा से ले आ रही है, उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। मित्रों ये इसलिए मैंने कहा कि तुम आप लोगों को पता रहे, आप लोगों को जानकारी रहे कि परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक सत्ता थे, एक ऐसी सत्ता थे जो ईश्वरीय चेतना का प्रतीक लेकर के आए। हम लोग अपने छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी भावनाएं, छोटे छोटे चिंतन, संकीर्णता को उन पर आरोपित करते हैं तो हम भी उनको ही वैसे देखने लगते हैं। कई बार हमारे मन में आता है भाई गुरुजी भी जिस रिश्तेदारों को संबंध को ज़्यादा महत्व देते थे, गुरुजी भी हमारे औरों की जरूरत से थे, गुरुजी भी ऐसे थे, माता जी भी ऐसी थी। नहीं मित्रों, अगर हमारे मन में गुरु के प्रति संशय पैदा होता है तो फिर हमसे ज़्यादा गए अभी तक कोई नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति अपने आप को ऐसा विसर्जन किया, ऐसा समर्पण किया कि जैसे खाली पोली बांसुरी की तरह से। जगह जगह लिखा है अखंड ज्योति में, हमने अपने आप को पोला कर दिया और अपनी बांसुरी को गुरुदेव अपने गुरु के होठों से लगा दिया। कहीं श्रेय नहीं लेते वो, कहीं ये नहीं कहते कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। बार बार गुरुदेव कहते हैं हमने अपने गुरु से कहा तो गुरु ने काम कर दिया, हमने अपने गुरु से कहा कि हमें आप निमित्त बना लो बस, हम लोह खंड ही हैं पारस हमें छुला दो। ये जो उपमा है मित्रों, ये गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति प्रतीकात्मक रूप में ये बात कही और हमेशा जीवन भर उस गुरु को याद करते रहे जो गुरु उनके इस कोठरी में आया था। तो इसी स्थान को जो जिसमें उनका अवतरण हुआ बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए एक संकल्प उभरा सत्यनारायण जी के मन में नागपुर वाले, और इसको ही अभूतपूर्व बनाने के लिए इतना बड़ा प्रसंग चल पड़ा है। हम थोड़ा लेट तो हुए हैं निश्चित रूप से, हमें ये काम 2-3 साल पहले करना चाहिए था, तो लेट तो हुए हैं। परंतु जब जन्म शताब्दी, मैंने कहा ना अभी की नहीं है, 3 साल की जन्म शताब्दी, 2011 का समापन हो रहा है, कोई बात नहीं, 28 जनवरी को वसंत पंचमी के साथ 2011 का समापन हो जाएगा, पर 2012-2013 3 साल तक चलेगी जन्म शताब्दी। और अगले साल हो सकता है कि इन्हीं तारीखों में, या हो सकता है कि हमारे कार्तिक पूर्णिमा की तारीखों में ये जो अपना विराट स्मारक है ये बन के तैयार हो जाए और हम आपको सौंप सकें, इसको अर्पित कर सकें, पूरे भारत को अर्पित कर सकें, पूरे विश्व के नागरिकों को अर्पित कर सकें। बहुत विलक्षण, बहुत ही अभूतपूर्व। हमारे शरद पारदी जी भाई साहब इस काम में पूरी तरह से पूरे पुरुषार्थ के साथ लगे हुए हैं, उन्हीं के साथ सत्यनारायण जिनवाल को प्रेरणा देने में उन्हीं का हाथ है, सबसे बड़ा हाथ। और ये जो इतना बड़ा काम है, इस काम के माध्यम से हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा विलक्षण करके दिखाएं जिसमें कि जो आए वो गुरुदेव के चिंतन से, उनके साहित्य से, उनके साधना से प्रेरणा लेके जाए, जो साधना कक्ष बना है उसको देखे, जो अंदर सूर्य मंदिर बनने जा रहा है जिसके अंदर गुरुदेव के चुने हुए वाक्य लगेंगे, जिसमें सारा का सारा वो चिंतन होगा जिसको देखने के बाद लोगों को वहीं बैठकर ध्यान करने की इच्छा होगी। हजारों लोग आएंगे, हजारों लोग आकर के यहाँ पर करेंगे। हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप देखिएगा थोड़े दिनों बाद आसपास के मकानों को ठीक ठाक करके हम पूरी अपनी व्यवस्था बना देंगे, जगह बना लेंगे और हम बहुत बड़ा निर्माण करेंगे। हम अपने बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है, इसलिए मान के चलना कि हम जो कह रहे हैं वो करके दिखा देंगे, इतना सुंदर बना देंगे कि आप
सबका इस पर गौरव होगा। लोग आगरा में ताज पे गौरव करते हैं और उसके बाद ताज के पहले लोग कहेंगे वो आंवलखेड़ा जिसके पास ताज है और आंवलखेड़ा जिसके पास गुरुदेव का स्मारक है। ताज की वजह से आगरा नहीं जाना जाएगा, आंवलखेड़ा की वजह से आगरा जाना जाएगा, ऐसा इतिहास बन जाएगा मित्रों। ये ऐसे गुरुदेव का, गुरुदेव के जन्म दिवस पर, शारीरिक जन्म दिवस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे गुरुदेव जिनको मैंने साक्षात ईश्वरीय रूप में देखा, आप सबने देखा, आपने उनके विभिन्न रूपों में अनुदान पाए हैं, आपने उनको देखा है कि किस तरह से उन्होंने लीला रची। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनसे मैंने आके 1980 में इंटरव्यू लिए और उनसे मैंने बातचीत की, पता लगाया गुरुदेव के समकक्ष, गुरुदेव के आयु के समकक्ष कौन कौन लोग थे, उनसे मिला मैं। एक रूप किशोर जी, एक रूप राम शर्मा जी भाई सब थे जो गुरुदेव के क्लास फेलो रहे थे, उन्होंने उनके बारे में बताया। ये वो भूमि है मित्रों, मतलब कल्पना कीजिए आंवलखेड़ा की भूमि की, ये वो भूमि है जहाँ वो खेले, जहाँ वो साधना की उन्होंने पेड़ों के नीचे बैठ करके, जहाँ पर उन्होंने अपने बाल सखाओं के साथ बैठ करके साधना का खेल खेला। कि साधना का खेल खेलते हैं आजकल के बच्चे, कहाँ खेलते हैं खेल आजकल के बच्चे, तो वो चश्मे उनको इसलिए लग रहे हैं कि वो कार्टून टीवी देखते रहते हैं बराबर सुबह से लेकर शाम तक। माता पिता का सिरदर्द बने हुए हैं, उनको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती, एक इक्कड़ होते चले जा रहे हैं, एक तरफ एकांगी चिंतन होता चला जा रहा है। उन बच्चों को कोई खेल दूसरा कोई दिखाए तब ना। उनको गुरुदेव ने अपने साथियों को साधना का खेल सिखाया और ऐसा चाव लगा दिया कि साधना का खेल खेलते हैं, ध्यान का खेल खेलते हैं। उन्होंने इसी आम्र कुंजों में यहीं आसपास, जब 1995 का आंवलखेड़ा का पूर्णाहुति हो रहा था, तो शरद पारदी जी भाई साहब और मैं और भी हमारे सब भाई लोग, हम सब लोग करीब करीब हमने 100-150 किलोमीटर की पदयात्रा की होगी। आसपास हम बहुत पैदल घूमे, हमने गांव-गांव घूमे, गांव-गांव देखे, तो बार बार हर जगह एक सुगंधी आती थी, वो सुगंधी थी परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ मौजूद हैं, परम पूज्य गुरुदेव की सुगंध यहाँ मौजूद है। वो यहाँ कभी खेले होंगे, यहाँ कभी घूमे होंगे, कभी यहाँ से इस रास्ते से निकल करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने गए होंगे, ये सारी बातें याद आती थी। आप यहाँ रहने वाले कितने सौभाग्यशाली हैं मित्रों, जो आप में से जो यहीं आंवलखेड़ा के नगरवासी हैं, आंवलखेड़ा के वासी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप यहाँ रोज सुबह और शाम की हवा में श्वास ले सकते हैं। हम तो आते हैं भागा दौड़ी करके फिर भाग जाते हैं, क्या करें, इतने ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा प्रपंच हैं सामने कि उन सबको संभालना है, इसलिए जाना पड़ता है, आना पड़ता है, भागना पड़ता है। यहाँ रुक कर के 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकने का सौभाग्य मिल जाए, इसको मैं मानता हूँ कि भगवान का दिया हुआ विशेष अनुदान होगा। कभी ऐसा समय आएगा जब 4-5 दिन रुकने का मौका मिलेगा और यहाँ रुक करके साधना का क्रम मिलेगा। परंतु मैं समझता हूँ कि आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ गौ सेवा का प्रबंध जो चल रहा है, प्रकल्प चल रहा है, जो यहाँ पर खेती का प्रकल्प चल रहा है। अभी हम लोगों ने बातचीत की है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्रकल्प चले, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का एक ग्राम प्रबंधन का यहाँ पे प्रकल्प हम चलाने का सोच रहे हैं। बहुत कुछ काम करने का मन है, बस थोड़ा सा हमारे हाथ पाँव सीमित होकर रह जाते हैं जब हमें उचित पात्र नहीं मिल पाते। हम कोशिश करेंगे कि आंवलखेड़ा की भूमि भले ही हमसे वहाँ से 400 किलोमीटर दूर है हरिद्वार से, परंतु गुरुदेव के इस जन्मभूमि को हम ऐसा बना दें जिसके लिए हमने 95 में आपको प्रॉमिस किया था, वैसा के वैसा ही बनाने का प्रयास 2011 से लेकर 2015 तक के 5 वर्ष में हम करके दिखा देंगे। यहाँ पर 5 वर्ष हमने आपसे मांगे हैं और इन 5 वर्षों में बहुत बड़ा अभूतपूर्व काम होकर के रहेगा। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव को जितना याद करें उतना कम है। गीता में एक श्लोक आता है, बोधयंतः परस्परम मच्चित्ता मदगत प्राण, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मेरे में मन लगाओ, मदगत प्राणा मेरे में अपने प्राणों का निवास करो। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, जो मेरे बारे में कथाओं को, मेरे कथानकों को, मेरी बातों को एक दूसरे को सुनाते हुए चलते हैं, वे मेरे में ही रमण करते हैं। नित्यम तुष्यन्ति रमन्ति च, वो नित्य निरंतर मेरे में ही रमण करते हैं, मेरे अंदर ही निवास करते हैं। अब बताइए, भगवान ने इतनी बड़ी रहस्य की बात कह दी, बोधयंतः परस्परम, एक दूसरे को बताते हुए, एक दूसरे को कहानी सुनाते हुए, कथा कहानी कीर्तन कथा प्रसंग। भगवान कृष्ण नवदा, भगवान राम ने नवदा भक्ति में कहा है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नवदा भगति कहीं तो पाही, प्रथम भगति संतन के संगा। दूसरी भगति जो है उन्होंने बताई है, रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंगों में रुचि।
अरे हमको किसी और की कथा प्रसंगों के लिए चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, भागवत में ऐसा हुआ, भागवत में ऐसा हुआ, भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, भागवत में गोपिकाओं गोपियों के पीछे भागे भगवान कृष्ण। अरे भागे होंगे उनकी इच्छा, वो जहां कहीं भी जाएं, उस जमाने के भगवान कृष्ण थे। आज के हमारे भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसकी कथा प्रसंगों में रुचि, उन कथा प्रसंगों में जो जितनी रुचि लेगा उसके अंदर उतनी ही भगवत चेतना गुरु चेतना प्रविष्ट होती चली जाएगी, अंदर घुसते चले जाएंगे, एंटर करते चले जाएंगे। मित्रों मैं औरों की तो नहीं जानता, पर मैं ये भी नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, समग्र हूँ, संपूर्ण हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ आपसे कि जैसे जैसे मेरे को तो पहली बार पहली दृष्टि में एक हमारे यहाँ इंग्लिश में कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट, प्रथम पहली दृष्टि में प्यार हो जाना। मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ, मुझे गुरुदेव से प्यार हो गया। मुझे पहली दृष्टि में मैंने जब उनको देखा तो मैं उनके साथ ऐसा जुड़ गया, मेरा मुश्किल से 13-14 साल का था और 13-14 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे वो मेरे अंदर घुसते चले गए और मेरे अंदर मेरे को पता भी नहीं चला, मैं रोक भी नहीं पाया उनको और घुसते चले गए, ऐसा घुसते चले गए कि अंदर समा गए पूरी तरह से। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके बाद मैंने जब लिखना चालू किया, उसके बाद जब मैंने उनकी कथाओं का गान चालू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं बोलता हूँ उनके बारे में उतना घुसते चले जाते हैं अंदर, जितना मैं बोलता हूँ उनके बारे में उतना घुसते चले जाते हैं। गुरुदेव किसी के संबंधी नहीं है, गुरुदेव किसी के सखा नहीं है, गुरुदेव हैं तो इष्ट आराध्य, आपके भी और मेरे भी। आप और हम दोनों गुरु भाई हैं, हमारी बहनें बैठी हैं उनके गुरु भाई, आप बैठे हैं आपके गुरु भाई, आवलखेड़ा के नागरिक बैठे हैं उनके भी गुरु भाई। हम सब मिलजुल करके एक ही गुरु के काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। हम उनको भगवान कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं है, क्यों, भगवान जो काम करता है उसको हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर भगवान जैसा काम करने वाला हमने महापुरुष देखा। भगवान जैसा काम युक्तीर्थ आवलखेड़ा कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। मित्र कोई कल्पना कर सकता है, किसी ने अपने जन्म स्थान की ऐसी सेवा की है क्या, किसी ने अपने जन्म स्थान को ऐसा बना के खड़ा किया है। जन्म स्थान इसलिए नहीं कि जन्म जिन्होंने मेरा जन्म यहाँ हुआ था, बल्कि उनकी तो इच्छा केवल ये थी कि यहाँ पर एक महाविद्यालय बना है, एक बालिका महाविद्यालय बन जाए और एक गायत्री शक्तिपीठ बन जाए छोटा सा, क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ के संकल्प उन दिनों उभर रहे थे। और गुरुदेव का यहाँ आने का मन भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुदेव जब आवलखेड़ा रवाना हुए तो मुझसे पूछने के लिए उस समय एक बड़े भाई थे हमारे, वो आए, डॉक्टर साहब जाओगे आप गुरुदेव के साथ? मैंने कहा आग के साथ जाने का मेरा मन नहीं होता, न जाने कितनी बार डांट खाऊंगा, न जाने कितनी बार मैं कुछ कहूंगा, वो कुछ बोले मेरे को जाने का तो मन है बहुत, परंतु तो गुरुदेव के साथ जाने में मुझे डर लगता है, अभी तक नहीं कभी गया। बोले कोई बात नहीं, गाड़ी गई, पता चला माता जी से कि कल शाम को लौटेंगे। मैंने कहा कि चलो आ जाए, एक रात अपना काम करते हैं। रात को करीब करीब 2-2.5 बजे करीब जब मैं लेखन के लिए उठता हूँ, मैं लेखन के लिए उठ के लिख रहा था तो हॉर्न बजा और पता लगा गुरुदेव आ गए। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी तो आने और जाने में नहीं लगता है। वो आए और यहाँ 2-2.5 घंटे 3 घंटे खड़े रहे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और जो आज जितना निर्माण जो हो रहा है उसकी रूपरेखा उस दिन 2-2.5 घंटे में बना करके, उसके बाद उन्होंने कहा चलो यहाँ से चलो, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अपने साथी याद आ रहे हैं बचपन के और मैं नहीं चाहता कि मैं पिछली यादों में घूमूं, मुझे चलो वापस चलो। बस 2-2.5 घंटे में वो लौट गए शांतिकुंज और अगले दिन हम लोगों की मीटिंग में बोले भाई सुनो देखो मेरा आवलखेड़ा जाने के बाद बिल्कुल मन बेचैन हो गया, विकल हो गया, मैं नहीं खड़ा रह सकता था वहां। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपिकाओं से पूछा कि भाई तुम भगवान कृष्ण का नाम भुला दो, भगवान कृष्ण का नाम भुला दो, तो बोले कि नाम कहां से भुला दें, एक हतो मन कोई 10-20 थोड़ी है, ऊधो मन नहीं 10-20, एक हतो तो गयो शाम संग, ऊधो मन नहीं 10-20, 10-20 मन नहीं है, तुम सब लोगों के पास 10-20 मन होंगे, पर गोपिकाएं कहती हैं कि मेरे पास तो एक ही मन है, हमारे पास तो एक ही मन है, और वो चला गया शाम के संग। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरा मन जो है पूरी तरह से अब जो युग निर्माण के काम में लगा है उसमें फिर अब मेरा मन आवलखेड़ा में नहीं लगेगा, मेरा मन तपोभूमि में नहीं लगेगा, तपोभूमि में काम करके गुरुदेव चलेगा। तो फिर आए नहीं, कह दिया उन्होंने माइक से, उसके बाद फिर लिख दिया उन्होंने, उसके बाद तपोभूमि नहीं आए, आवलखेड़ा एक बार आए, उसके बाद फिर आवलखेड़ा दूसरी बार नहीं आए। जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है मित्रों वहां बैठे बैठे उस दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष के द्वारा हुआ, वहीं बैठे बैठे उन्होंने सारा निर्माण कराया है और आज भी वही करा रहे हैं, हम लोग निमित्त मात्र हैं, बस वही करा रहे हैं। तो मित्रों ऐसे गुरुदेव बिल्कुल जिसको कहा जाए कि कहीं भी जरा भी किसी तरह से किसी में लिप्त नहीं, उनका जन्मदिन, उनकी जन्मभूमि, उनका ये दिव्य लीला केंद्र
एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आज का दिन बहुत विलक्षण है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौवीं जन्म दिवस पे आया है। सौवां जन्म दिवस, 101वां जन्म दिवस, 100 दिन पूरे, 100 वर्ष पूरे। हमारे लिए विशेष जिम्मेदारी हम सबके लिए, क्योंकि हम उनके बेटे हैं, हम उनके पुत्र हैं, पुत्र होने के नाते पुत्र की जिम्मेदारी होती पिता के काम को खूब आगे बढ़ाएं, खूब आगे बढ़ाएं, खूब कई गुना कर दें। हम लोगों के जिम्मे कई गुनी जिम्मेदारी दे गए हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विचार क्रांति। लोगों के विचारों को बदलो, लोगों के विचारों में चिंतन में परिवर्तन लाओ। आप देख नहीं रहे उनके जन्म दिवस के साथ कितना बड़ा काम चालू हो गया 2011 में, सारे विश्व में परिवर्तन चालू हो गया, सारे विश्व में परिवर्तन तेजी से। मिश्र का देश आपने सुना होगा, यूनान, मिश्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूनान रोम उससे कहा जाता है, यूनान और रोम, ये सारे के सारे जितने भी थे मित्रों, ये सारी के सारी जितनी भी हस्तियां थी, ये सब के सब मिट गई धरा से। परम पूज्य गुरुदेव जिस समय मित्रों इस धरती पर आए, उस धरती पर कितनी कितनी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां विषम थी। भारत गुलाम था, और गुलामी के साथ साथ भारत के पास बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी। एक अंग्रेज सिपाही भी अगर गांव में आ जाता था, भले ही वो हिंदुस्तानी सिपाही था, परंतु चूंकि अंग्रेज चपड़ास उसके ऊपर बंधी हुई थी, तो वो आ जाता था तो लोग सहम जाते थे डर के मारे। अरे भाई एक ही तो सिपाही आया, डरने की जरूरत है? अरे नहीं, डरने की नहीं, कुछ भी कर सकता है, दंड लगा सकता है, कल वो घोड़े वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स को लेके आ जाएगा। परंतु गुरुदेव ने संघर्ष किया। गुरुदेव उस जमाने में आए जिस जमाने में एक जड़ता, बौद्धिक जड़ता छाई हुई थी समाज में, लोग बिल्कुल कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में काम करते थे। अंग्रेजों से आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं था, पर गुरुदेव का आना ऐसा कुछ विलक्षण हुआ। गुरुदेव के आने के 2-3-4 साल के अंदर बड़े अद्भुत चेंजेस हो गए। चलो 1911 के बाद इतने चेंजेस हो गए कि महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति आया, नाम तो था उसका मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, बैरिस्टर, पर वो आने के 4-5 साल के अंदर महात्मा बन गया, 1915 तक महात्मा बन गया। श्री अरविंद आए, श्री अरविंद ने आके पांडिचेरी में अपना क्रियाकलाप चालू कर दिया, और श्री अरविंद ने लिखना चालू कर दिया एक महामंत्र आने वाला है, जिस महामंत्र के आने के बाद सारा विश्व उसकी छा में रह करके ये काम करेगा। और अभी तो एक वंदे मातरम है, वंदे मातरम के बाद दूसरा मंत्र अभी घोषित नहीं हुआ है, उसकी घोषणा करने वाला, जन्म लेने वाला है, ये 1909 में लिखा था मित्रों, वो उसको जन्म लेने वाला 1911 में यहाँ जन्म लेने आया था, और गायत्री महामंत्र का प्रचार करने के लिए आया था मित्रों। एक हर एक के लिए रोल निर्धारित है, हर एक की भूमिका निर्धारित है। तो श्री अरविंद ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं, जो काम विधाता ने तय किया है वो करने के लिए वो आएंगे। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है, मैं धरती पे आना नहीं चाहता था, मुझे धकेला गया है, मैं आना नहीं चाहता था, मुझे धकेला गया है, धकेल करके भेजा गया है ताकि धरती के भाग्य को मैं बदल सकूं, ऐसा भगवान चाहते थे इसलिए। मित्रों ये महापुरुषों की वाणी को आप एक एक लाइन को जरा महत्व दे करके अंडरलाइन करके पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि उनका कहना कितना महत्वपूर्ण है। जब वो कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई महत्व की बात है। उन्होंने कहा है मुझे धकेला गया है, और फिर आने के बाद गुरुदेव कहते हैं, लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि लोगों ने मुझे मनोकामनाएं पूरी करने की मशीन मान लिया, लोगों ने मुझे मनोकामनाएं पूरी करने की मशीन मान लिया था, परंतु यदि उन्होंने मुझे समझा होता, यदि उन्होंने मेरे विचारों को समझा होता, तो शायद मेरे विचारों से जुड़कर, विचारों से तादात्म्य होकर वो सब महामानव बन गए होते। मित्रों उनके सामने न बन पाए, उनके सामने कम बने तो कोई बात नहीं, परंतु उनके बाद बनने वाली पीढ़ी के लिए हम आश्वासन देते हैं कि हम आपके जैसे महापुरुष, आप जैसे चाहते थे महामानव, वो बना के तैयार करेंगे। ये संकल्प आज हमको लेना है। ये हम लोगों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम क्या करके दिखा सकते हैं इस समय। हम लोग सभी एक एक प्रकार से इस समय जिस मोड़ पे खड़े हैं, आप देखें ना, मैंने कहा कि मिश्र में परिवर्तन हुआ, रोम में परिवर्तन हुआ, सभी पूरे जितने देश हैं, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, सारे देशों में आजादी की हवा छा गई, पूरे पूरे मुस्लिम देशों में। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वहां पर एक क्रांति की इतनी बढ़िया जो है प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमारे देश में एक अन्ना हजारे नाम का एक आदमी खड़ा हो गया। वो अन्ना हजारे आया और उसने जाके खड़े होकर के कहा मैं क्रांति की मशाल जलाना चाहता हूँ। तो भाई साहब हम वहीं खड़े हुए थे, हम मशाल लेके खड़े हो गए, हमने उनको मशाल उनके हाथ में पकड़ा दी। गुरुदेव ने क्रांति की मशाल जलाई थी, लीजिए आप जलाइए। उन्होंने तुरंत वो मशाल हाथ में ले ली,
वो आपने चित्र देखा होगा, पाक्षिक में आया है, अखंड ज्योति में आया है। श्री अन्ना हजारे परम पूज्य गुरुदेव की योजना के निमित्त बने, भागवत प्रेरणा के निमित्त बने। वो पॉलिटिकल सर्कल में क्या करता है हमें मालूम नहीं, पर हम ये मान के चलते हैं कि भगवान का प्रतिनिधि एक काम में लगा है कि लोगों के अंदर भय पैदा कर रहा है। भय, लोग ये कहने लगे हैं तिहाड़ जेल छोटी पड़ रही है, एक और बड़ी तिहाड़ जेल बनाओ ताकि जितने लोग जितने भ्रष्ट हैं इन सबको भरने के लिए जगह मिल सके। मित्रों, कैसा जमाना आ गया, बदल रहा है जमाना, बदल रहा है जमाना, बदल रहा है जमाना, बदल रहा है। गुरुदेव ने कहा मेरे जाने के 20 साल बाद देखना, इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा। दो गुरुदेव के जून 84 का एक लेख है अखंड ज्योति का, उसमें लिखा है कि मेरे जन्म शताब्दी से और वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक, 2011 से 2026 तक इतने विकट, इतने व्यापक परिवर्तन होंगे कि सारा का सारा जहां बदल जाएगा, भ्रष्टाचार जामूल सुमूल चूल नष्ट हो जाएगा, देखते देखते परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, ये भविष्यवाणी गुरुदेव की आप याद रखना, और जून 84 की अखंड ज्योति को फिर से पढ़ना एक बार, तब आपको पता चलेगा कितनी कितनी बातें वो कह गए। भाइयों बहनों, हम लोग जिस गुरु की जन्म शताब्दी मनाने के लिए आज ये इकट्ठे हुए हैं, ये एक पूर्वार्ध है। इसका उत्तरार्ध है शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ पर गंगा के बीच में नगर बस रहा है, एक बहुत बड़ा विराट नगर। मैं परसों उस नगर में भ्रमण करके आया हूँ। लगभग 10 से लेकर 15 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था हम लोगों ने की है एट ए टाइम। आप लोग अभी यहाँ आए हैं तो करीब करीब संख्या होगी 5,000, 6,000, 10,000। आप कल्पना कीजिए कि 10 लाख आदमी जब एक बार रहेंगे उस नगर में गंगा की गोद में, और गंगा माता अपने लिए हमारे लिए इतनी उदार है कि इतनी भयंकर बाढ़ आने के बावजूद भी हमारे लिए उतना स्थान उन्होंने खाली कर दिया जितना हमारे लिए जरूरी था। प्रवचन मंच भी गंगा की गोद में, यज्ञ मंच भी गंगा की गोद में, और विचार मंच हमारा का, कला मंच हमारा, मीडिया नगर, ये सारा के सारा जो पूरा बसने जा रहा है, एक बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं 100 बेड का, वो सारा वहीं पर। सरकार के जो नुमाइंदों ने कहा कि ये डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, इतना बड़ा काम आप कैसे करेंगे, तो हमने कहा आपको हमारा इतिहास नहीं मालूम है। हमारा इतिहास नल नील और रीच वानरों से चालू होता है। हम वहाँ के हमारे पूर्वज वो लोग हैं, अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। हमने पिछली बार भी पुल बनाए थे, तो हमारे पुल बनना चालू हो गए हैं, और पुलों से हमने गंगा के बीच बीच में जो टापू हैं उन सबको जोड़ना चालू कर दिया है। आप देखिएगा जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप सेतु बंध की नगरी में आए हैं, वास्तव में आप ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भोजनालय आराम से सबको भोजनालय में भोजन मिलेगा, हर प्रांत अपना भोजनालय चला रहा है, और भोजनालय के माध्यम से लगभग 10-15 लाख व्यक्ति एक प्रतिदिन भोजन करके वहां से जाएंगे। मेरा अनुमान ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है मैंने 10-15 लाख ज्यादा बोल दिया हो, और हो सकता है मैंने कम बोल दिया हो। ऊपर से गुरुदेव मुझसे कहें कि भाई तुम इतना कम क्यों बोल रहे हो, मैं उसके बाद का फिगर उनके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारी क्षमता से बाहर है। ये सब के सब उन्हीं के ऊपर है कि कितने लोगों को बुलाते हैं, कितने लोगों से अपने श्रद्धांजलि, समय दान की, श्रद्धा की, साधन दान की, साधना की श्रद्धांजलि उनसे अर्पित कराते हैं। विदेश से करीब करीब मित्रों हमारे करीब 1-1.5 लाख परिजन आ रहे हैं। हमारे भारत के कोने कोने से, कोने कोने दक्षिण भारत से सब तरफ से लोग चले आ रहे हैं। एक विलक्षण माहौल खड़ा हो रहा है। आप सबको भाव भरा आमंत्रण है, आप चलिए। जैसे हमारे बच्चे लोग आए, कार्यकर्ताओं के बच्चे शांति कुंज से नारे लगाते हुए और मोटरसाइकिल से यात्रा करते हुए, आप ऐसा नहीं आ सकें तो कोई बात नहीं, पर आप जहाँ भी आए, जहाँ भी रुके, वहाँ नारे गुरुदेव के वाक्यों को लिखते हुए और अपनी यात्रा को बहुत सुखद बनाते हुए, मंगलमय बनाते हुए, और जगह जगह लोगों को परिपत्र बांटते हुए जब आप आएंगे तो हरिद्वार में आपका स्वागत 3 स्थानों से होगा। एक स्थान ये वाला जो आपका रुड़की होते हुए जाते हैं, रास्ते भर आपको बैनर्स लगे हुए मिलेंगे, रास्ते भर आपको दीवार लेखन मिलेगा। आपको जहाँ नहीं मिले वो जगह खाली है आपके लिए, आप कर दीजिए, आप लिख दीजिए दीवार लेखन में। वहाँ जो आपको करने को मिल सकता है वो ये कि आप जितने ज़्यादा लोगों से संपर्क कर सकते हैं उनसे संपर्क करिए। इतना बड़ा काम होने जा रहा है मित्रों, इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि एक विस्फोट होने जा रहा है पूरे विश्व में एक महापुरुष का। एक महापुरुष ने अकेले अपने बलबूते, एक अकेला छोटा सा बालक जन्मा था आज के दिन 100 साल पहले, उसने 100 साल के अंदर इतनी बड़ी सृष्टि रच दी, जिस सृष्टि में आज 10 से लेकर 15 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। एक इस देश की 1/4 आबादी गायत्री परिवार है। अगर वो 1/4 आबादी गायत्री परिवार है तो उस गायत्री परिवार का कर्तव्य है कि इस 1/4 आबादी को कई गुना करके पूरे विश्व में फैला दे और गायत्री परिवार विश्व गायत्री परिवार बन जाए। ये हम लोग कर्तव्य, अगर हम लोग पुरुषार्थ करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोगों के हाथ में है। नारी को अधिकार दिलाने का काम परम पूज्य गुरुदेव का है। 70% कार्यकर्ता हमारे नारी शक्ति है।
यही नारी शक्ति हमारा वो काम कर रही है। आप देखिए, जहां देखिए कर्मकांड, जहां देखिए संस्कार, जहां देखिए ब्रह्मवादिनी बहनों ने इतना बढ़िया काम किया वंदनीय माता जी की महाप्रयाण दिवस पर इस बार शांति कुंज में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, प्रदर्शनी लगाई गई और माता जी जितने प्रकल्पों को चाहती थी हमारी इन्हीं कार्यकर्ताओं की पत्नियां, उन सब ने, माताओं ने, बड़ी बड़ी बूढ़ी माताओं ने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया, उससे लगा कि वास्तव में अगर चाहे तो नारी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। नारी सशक्तिकरण के लिए गुरुदेव ने जितना बड़ा काम किया उतना बड़ा किसी ने नहीं किया। मित्रों, ये इतिहास जो है ये जब लिखा जाएगा और बड़े विराट रूप में, मेरे दिमाग में कल्पना है, मैं 10 खंड लिखने का इच्छा रखता हूँ। अभी एक खंड मैंने उसका संकलित अंश मैंने बनाया है, 10 खंड लिखने की इच्छा रखता हूँ जिसमें गुरुदेव के विभिन्न रूपों को मैं लिखना चाहता हूँ और मैं इसको 2-3 साल में पूरा कर दूंगा। दो ढाई साल के अंदर, अगले जन्म शताब्दी के अंतिम 2013 के अंत तक मेरा मन है लिख करके पूरा कर देने का। ये सारा का सारा उन्हीं का दिया हुआ है। जब गुरुदेव ने अपना लीला का पटाक्षेप कर रहे थे तो गुरुदेव ने अपना पेन निकाला, बोले मैं अपना पेन देना चाहता हूँ, किसी को चाहिए? तो कई लोगों ने हाथ बढ़ाया, हम लोग 7-8 लोग बैठे थे, बोले ऐसे पेन नहीं, तुमको मेरी लेखनी संभालनी पड़ेगी, तुमको लिखना पड़ेगा, अखंड ज्योति संभालनी पड़ेगी। सबके सब पीछे हट गए क्योंकि अखंड ज्योति संभालना यानी बहुत बड़ा सिरदर्द, कौन संभालेगा अखंड ज्योति, कौन लिखेगा? मैंने कहा मैं फिर से पूछता हूँ, किसी को मेरी कलम चाहिए? दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, उन्होंने कहा किसी को मेरी कलम चाहिए? मित्रों, मैं सबकी तरफ देख रहा था, मेरे से बड़े भाई लोग थे, मेरे समकक्ष एकादी थे, मेरे बड़े भाई थे। तीसरी बार जब गुरुदेव ने बोला तो मैं खड़ा होकर के मैंने वो कलम हाथ में ली और यहाँ लगा ली और मैंने कहा गुरुदेव मैंने लगा ली अपनी कलम आपकी, इसमें अब आप आशीर्वाद देते रहिए। उस दिन के बाद से मैंने अखंड ज्योति संभाल ली। और मित्रों, अखंड ज्योति संभालने का मतलब ये नहीं होता कि अखंड ज्योति लिखना चालू कर दिया, अखंड ज्योति का संपादन का भार मेरे ऊपर आया और आज भी मित्रों प्रतिमाह 10 से लेकर 15 दिन मेरे पूरे इसी काम में लगते हैं, जब मैं पूरा संकलन संपादन करके इकट्ठा करता हूँ और उसको लिख करके उसको वो शेप देता हूँ जो आपके पास आता है। क्रांति अंक आपके पास आया, उस क्रांति अंक को आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि भी क्रांति अंक 10 लोगों को मैं अकेला पढ़वाऊंगा, 6000 व्यक्ति बैठे, 60000 प्रतियां भी नहीं आप लोग निकाल सकते, ये जिसके पास जाएगा उसके दिमाग में विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होने जा रहा है, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन, विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी है। तो ये क्रांति अंक हमने उन्हीं को, गुरुदेव को, सितंबर के अंक में हमने जो दिया है वो उन्हीं के लिए समर्पित किया है। आप ऐसे गुरुदेव को विचार पुरुष के रूप में जानिए। गुरुदेव शताब्दी पुरुष हैं, गुरुदेव विचार पुरुष हैं, गुरुदेव भाव पुरुष हैं, गुरुदेव नारी सशक्तिकरण के लिए अवतरित ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कि सारे विश्व में एक अलग जगह दी, क्रांति की अलग जगह दी। मित्रों, आज प्रवासी भारतीय कितनी तेजी से उनकी भावना बह जा रहे हैं। मैं भी गया, अमेरिका गया, मुश्किल से 7-8 दिन का मेरा कार्यक्रम था, पर 7-8 दिन के मेरे कार्यक्रम के लिए 4,500-5,000 प्रवासी भारतीय पूरे US से, कनाडा से अपने किराया खर्च करके बसों से, जगह जगह के नगरों से, दूर दूर से सभी इकट्ठे होकर के आए और आने के बाद जब वो मेरे साथ रहे 3-4 दिन अपने पिस्कटवे न्यूजर्सी के गायत्री चित्रकन में, तो वहां मैंने देखा कि उनके छोटे छोटे बच्चों ने गुरुदेव माता जी के चरित्रों को जी करके सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए, छोटी छोटी प्रतिस्पर्धाएं हुई उनकी और प्रतिस्पर्धाओं की क्वालिटी इतनी उच्च स्तरीय थी, मैं सारी चीजें लेके आया हूँ। और मित्रों, में मुझे ऐसा लगता है कि रोम रोम में, कण कण में गुरुदेव माता जी वहाँ समाहित हैं, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, और इतना बड़ा विलक्षण काम हुआ है कि मैं समझता हूँ कि एक इतिहास बताना चाहता हूँ आपको कि आज से करीब करीब 20 साल पहले मेरा जाना आरंभ हुआ था, 92 में पहली बार में गया था। ये हमारा बालक है ओंकार जी, ये हमसे 7-8 साल छोटे उम्र में पर हमारे साथ चल रहे हैं 1990-91 से। ये हमारे साथ विदेश भी गए और विदेश जाने के बाद मुझे ऐसा याद आता है 91 के उस कार्यक्रम के बाद मुझे 20 साल हो गए और 20 साल में मैंने देखा कि 20 साल के अंदर जो बच्चे मेरे सामने बड़े डेवलप हुए, कई तो मेरे सामने जन्मे, वो सारे के सारे न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सभी घरों में इतिहास ये बन गया कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, नर्स बन गए, कोई फार्मेसिस्ट बन गए और हजारों लाखों डॉलर कमा रहे हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा प्रति माह निकालते हैं और शांति कुंज भेजते हैं। तो ये क्रांति हुई है पूरे प्रवासी भारतीयों में और सबके सब ये कहते हैं कि बाकी संगठनों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अगर कुछ मिला है तो गायत्री परिवार से जुड़ने से मिला है और गायत्री परिवार के अंदर जो शांति मिली है, जो मन की शांति मिली है, पारस्परिक संबंध हुए हैं, गायत्री परिवार में
पटेल हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, आपस में उनके विवाह हुए, विवाह होने के बाद पति पत्नी बहुत संतुष्ट हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में भी ये क्रांति इंतजार कर रही है, एक ऐसी हम लोग मोड़ पे खड़े हैं जब ये क्रांति तेजी से आएगी। गायत्री परिवार में किसी प्रकार का जाति का भेद किस लिए? यही वो भूमि है जहां से निकल करके परम पूज्य गुरुदेव गए थे, और एक महिला यहाँ की जो विधवा हो गई थी, जो किसी और जाति की थी, उसको मथुरा में ले जाके चोक आर्य समाज मथुरा में ले जाकर के उन्होंने उसका विवाह कराया था किसी दूसरी जाति ने, और उसके बाद वो महिला हमारे यहाँ अंतिम समय तक आती रही। उसके बच्चे आज भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, बरेली की महिला थी वो। मित्रों ऐसी क्रांति उन्होंने उस जमाने में की जिस जमाने में लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज हम भी पिछड़ेपन से फिर भी ग्रसित हैं, क्या वो क्रांति नहीं हो सकती फिर से कि गायत्री परिवार के बच्चे आपस में एक दूसरे से विवाह करें और उस विवाह को हम लोग तय करें, हम लोग मिलजुल करके तय करें, वो बच्चे मिलजुल के एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग स्थापित करें। एक क्रांति विवाह की आनी चाहिए, क्योंकि अविवाहित महिला कन्याओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अविवाहित कन्याओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ दहेज की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। अगर गायत्री परिवार में दहेज लिया जाता है तो वो गायत्री परिवार का आदमी नहीं है। अगर वो गायत्री परिवार का आदमी नहीं है तो उसको पीले कपड़े उसके उतार करके उसको प्रताड़ित किया जाना चाहिए, बताना जाना चाहिए कि पीले कपड़े पहनने का अधिकार तुमको नहीं है। ये संघर्षात्मक आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा भावी महाभारत, भ्रष्टाचार के खिलाफ भावी महाभारत, दहेज के खिलाफ भावी महाभारत, अवांछनीयताओं कुरीतियों के खिलाफ महाभारत, वो उस गुरु की जन्मभूमि है, उस गुरु की जन्मभूमि। हमको सारे देश में सारे विश्व में हर जगह, मित्रों आने वाले दिनों में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म स्थान से शुरुआत हो सकती है, अगर महात्मा गांधी के जन्म स्थान से शुरुआत हो सकती है, तो गुरुदेव के जन्म स्थान से क्यों नहीं शुरुआत हो सकती? लेकिन आगरा से निकलने वाली ट्रेन, और हो सकता है आंवलखेड़ा से आगरा या आंवलखेड़ा से एक्सप्रेस वे बनता है, तो आंवलखेड़ा का नाम इतिहास में इतना स्थापित हो जाए कि लोग इसको आंवलखेड़ा एक्सप्रेस और आंवलखेड़ा शताब्दी, आंवलखेड़ा कुछ भी जो भी आप नाम देना चाहें वो कहना चालू कर दें, क्योंकि ये एक महापुरुष युग पुरुष की जन्मस्थली है। मित्रों ऐसी जन्मस्थली में आप लोग बैठे हैं, आप सबको हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं। आज के दिन इस पावन दिन हम लोग उसी वेला में जिस वेला में उनका जन्म हुआ था हम यहाँ बैठे हैं। पर क्या केवल भाव विभोर होकर के अंदर ही अंदर हर्ष पैदा करके खुश हो जाए? अरे इतने बड़े बड़े अभियान चालू किए उनमें भागीदारी करिए ना। वृक्ष गंगा अभियान इस साल चालू किया, 1 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान। 1 करोड़ वृक्ष लगाने के साथ साथ ट्री गार्ड भी लगाएंगे, उसमें पानी देने की व्यवस्था ही बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और वृक्षों को जिंदा रखेंगे। ऐसा जिंदा रखेंगे कि अगले साल अगर लोग गिनेंगे तो 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, 1.5 करोड़ मिलेंगे। सरकारी तंत्र की तरह से नहीं कि मालूम नहीं साहब बड़ी भेड़ बकरियां चर गई और हमें नहीं पता चला। शिक्षा और विद्या की क्रांति देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से दोनों को मिलाने का जो प्रयास किया है, मित्रों नैतिक मूल्य नहीं मिलेंगे। हमारे शिक्षा अधिकारी बैठे हैं आगरा के, मैं कहना चाहता हूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो पैटर्न है उस पैटर्न के आधार पर आप आगरा में प्रयोग कीजिए। आपके प्रयोग आगरा में यदि होंगे तो आगरा में गुरुदेव की जन्मभूमि में किए गए ये प्रयोग लोग इसको फिर रिप्लीकेट करेंगे, पूरे यूपी में इसकी भावना को रिप्लीकेट करेंगे। हमने आपकी मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आपके प्रांत में गुरुदेव का जन्म हुआ था आंवलखेड़ा में, कम से कम इसको घोषित करिए। अभी तक तो नहीं घोषित किया है, हो सकता है कि अगले वर्ष घोषित कर दें, अगले वर्ष नहीं तो उसके अगले वर्ष कुछ योजनाओं को यदि वो चला दें तो इतना बड़ा काम हो जाएगा। मित्रों ये सबसे बड़ा काम हम ये कर सकते हैं, शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय। शिक्षा हमें जानकारी देती है, विद्या हमें आदमी बनाती है, विद्या हमें मानव बनाती है, विद्या हमें विनम्रता देती है। इन दोनों का जब तक ब्लेंडिंग नहीं होगा, प्रॉपर सम्मिश्रण नहीं होगा, प्रॉपर मिलन नहीं होगा, दूध में चीनी मिलकर के जब घुल गए एक जैसी हो जाती है तो दूध मीठा हो जाता है, पता नहीं चलता है चीनी को अलग कैसे करें, नहीं अलग नहीं कर सकते आप। इसलिए इसी तरह से विद्या और शिक्षा दोनों मिल जानी चाहिए। आज जहां देखो आगरा का अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इधर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ देख लीजिए, रोज वीसी के घर को जलाया जा रहा है, रोज वीसी के गमलों को तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है। हमने विश्वविद्यालय का प्रयोग किया है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, ये गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम महामानवों की पोत पैदा करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। मित्रों महामानव पैदा होंगे वहां पर और वो जा के घर घर जाएंगे तो कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में सब में एक दिया का आंदोलन पैदा करेंगे। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का संगठन, आप सबको मित्रों इसका प्रयास करना है कि हम लोग मिलजुल करके कैसे गुरुदेव की विभिन्न योजनाओं को, 100 सूत्री योजनाएं हैं, शत सूत्री को यदि आप और विराट रूप में देखना चाहें तो गुरुदेव के 1000 सूत्र हैं, और भी विराट देखना चाहें तो 1,00,000 सूत्र हैं। जिसको जिस क्षेत्र में काम करना हो उस क्षेत्र में काम करने के लिए ढेरों योजनाएं हैं। आप काम करने के लिए आगे तो आइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में,
ग्रामीण ग्रामोत्थान के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ढेरों योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। मित्रों, पूरा भारत हमारी भूमि है, पूरा भारत हमारा। विश्वम पुष्टे ग्रामे अस्मिन अनातुरम, इस विश्व ग्राम को पुष्ट करना है, आपत्ति युग मुक्त करना है, आपदा मुक्त करना है, तो हमको हर घर में, गांव के कोने कोने में जाना पड़ेगा और सब पूरे विश्व के, विश्व को सुरक्षित बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा संकल्प केवल भारत का नहीं है, हमारा संकल्प सारे विश्व का है। हम केवल यूपी की नहीं सोच रहे, हम केवल उत्तराखंड की नहीं सोच रहे, हम पूरे भारत की और भारत के साथ साथ पूरे विश्व की, विश्व ग्राम की बात सोच रहे हैं, जिसमें कि प्लेनेट गर्म न हो, हमारा ग्रह गर्म न हो। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना कम से कम अपना भौतिकवादी जीवन शैली कम करेंगे और जीवन शैली को यज्ञमय बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन महान बनता चला जाएगा। एक धोती और एक खादी का कुर्ता में जीने वाला आदमी ब्राह्मण जैसा जीवन जी के चला गया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। मित्रों, मैं, मुझे एक प्रसंग याद है, सुनाना चाहता हूँ। मैं सिंगापुर गया था 1974 में, वो सिंगापुर में एग्जाम देने गया था अमेरिका जाने का। वहाँ से गुरुदेव के लिए मैं कुछ सामान लेके आया, मैं क्या ला सकता हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, छोटा सा। मुझे कुछ पैसे मिले थे तो उससे मैंने सबके लिए थोड़ा थोड़ा सामान लिया, गुरुदेव के लिए भी सामान लिया। गुरुदेव के लिए मैंने देखा, गुरुदेव शेव करते हैं तो शेव कई बार घिस घिस के करते हैं, और बार बार घिसते हैं तो मेरे को लगा कि उनकी गाल छिल जाते होंगे। तो मैं बढ़िया से जिलेट का ब्रेड लेके आया उनके लिए, और जिलेट का रेजर लेके आया, कई ढेर सारी एक्स्ट्रा ब्लेड लेके आए। मैंने कहा गुरुदेव, उस जमाने में जिलेट बाहर नहीं मिलता था, ओपनली अवेलेबल नहीं था, यहाँ इंडिया में अब तो सब जगह उपलब्ध है। तो मैं लेके आया, मैंने गुरुदेव को दिया, मैंने कहा गुरुदेव आप इसी से दाढ़ी बनाया करिए। बोले ठीक है बेटा, तुम ले आए तो इसी से बनाएंगे। अब गुरुदेव ने रख लिया, आपने उसमें रख लिया। मैंने कहा अंदर मत रखिए, बाहर रखिए, आप रोज यूज कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, बाहर रख लेते हैं। बहुत प्रेमी स्वभाव के थे, उन्होंने उसको रख लिया। चार पाँच दिन बाद मैं ऊपर चढ़ रहा था तो एक सज्जन नीचे उतर रहे थे, उनके हाथ में वही ब्लेड था, वही रेजर था। मैंने कहा भाई साहब ये कहाँ से उठा के ले जा रहे हैं? मेरे को लगा गुरुदेव बाथरूम गए होंगे और ये उठा के ले जा रहा है। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो इसको आप? बोले नहीं, मेरा जन्मदिन था तो गुरुदेव ने उठा के दे दिया कि ये ले जा, तो इससे शेव किया कर तू। ये ब्राह्मण जो, वो ब्राह्मण वो जिस अपने पास कुछ भी न रखे, अंतिम समय तक उनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन्होंने सब मुक्त कर दिया। मैं जानता हूँ मित्रों, मेरे पास कई हजारों पेन रहा करते थे किसी जमाने में, अब तो मैं बात भी बांट दिए मैंने बहुत सारे। गुरुदेव क्या करते थे, गुरुदेव के पास सब तरह के पेन आते थे। गुरुदेव के पास एक पेन आया तो गुरुदेव ने उठाया और उसको कचरे की टोकरी में डाल दिया। नया नया पेन आके कचरे की टोकरी में डाल दिया। खुद 2.5 रुपए की पेंसिल यूज करते थे, पेन यूज करते थे, और उसको उपलब्ध कराने का काम मेरा था, मैं उपलब्ध कराता था। अंतिम जीवन के 10-12 वर्ष 24 घंटे उनके साथ रहा, तो उसमें वो पेन जो उपलब्ध कराता था वो बहुत सस्ती थी, गुजरात से आती थी। मैं इकट्ठी मंगा लेता था, 50-100 मंगा लेता था, और गुरुदेव एक एक लिखते जाते थे और टूटती जाती थी खत्म। कई बार किसी को दे देते थे, मैं तुरंत ला के देता था उनको। तो वो जितने पेन जो थे वो कचरे की टोकरी में पड़े रहते थे, मुझे पकड़ाए देते थे और कहते थे तुमको जिसको, तुम भी इसको बांटते रहना, तुम बांटने की परंपरा चालू रखना, बांटने की परंपरा। शत हस्तम समाहर, सहस्र हस्तम संकीर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। गुरुदेव का जीवन साक्षात एक ब्राह्मण का, तपस्वी का जीवन। मित्रों, मैंने उनके जीवन से, एक एक जीवन के एक एक पक्ष से कुछ सीखने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि हम लोग सभी मिलकर के यदि कुछ सीखें तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आती चली जाएंगी। आज भी हमें गुस्सा आता है, आज भी हमें वो सुहाता नहीं है, आज भी हमें उसको देख के गुस्सा आ जाता है, आज भी हम किसी दूसरे को देख कर, ट्रस्टी को देख कर गुस्सा हो जाते हैं, और छोटे छोटे व्यवहारों से हम दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, सबके सामने अपमान कर बैठते हैं, हमारे छोटापन हम उसके ऊपर हावी कर देते हैं। यदि हम गुरुदेव की महानता अपने ऊपर आरोपित कर लें और गुरुदेव की महानता को सबको बांट दें तो मित्रों कितना बड़ा काम हो जाए। आप सब गुरुदेव को जीवन में उतारने की कोशिश करें मित्रों, जैसे वो मेरे जीवन में घुसे ऐसे आप सबके जीवन में घुसे, और ऐसी तेजी से घुसे कि वो आपको फिर चैन न दें, कभी आराम से न